जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों द्वारा मारे गए सहारनपुर के सगीर अहमद का शव आज सुबह उनके घर लाया गया, जहां 11 बजे के करीब सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दरअसल जैसे ही सगीर का शव सुबह एम्बुलेंस के माध्यम से सहारनपुर उसके निवास स्थान पर पहुंचा तो शव को देखकर परिजनों और मोहल्ले के लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं रोते हुए चारों बेटियों के मुंह से यही निकल रहा था कि आतंकियों का जड़ से खात्मा किया जाए। आपको बता दें कि सगीर अहमद की 4 बेटी और 1 बेटा है, जिसमें कि 3 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा जो कि राजस्थान में कारपेंटर का काम करता है। लेकिन सगीर की पत्नी नफीसा की 6 महीने पहले ही कोरोना से मौत भी हो चुकी है। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जिसको लेकर सगीर अहमद कई साल पहले जम्मू कश्मीर में नौकरी करने गया था। 16 तारीख की शाम को आतंकवादियों ने घर में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया था। सगीर का शव एम्बुलेंस में सहारनपुर पहुंच गया है और करीब 10 बजे सगीर के शव को दबनी वाले कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस घटना के बाद लोगों में भी गुस्सा है। देखिए, एक बड़ा कायराना एक हमला था एक ऐसे शख्स पे जो वुड कार्विंग का बेहतरीन कारीगर था, जिसकी 4 बच्ची और 1 बेटा, और वो बेटा वो उस गरीब परिवार से कि जो बेटा भी काम करने के लिए राजस्थान बाड़मेर में धूल फाँक रहा हो, और ऐसे परिवार का वसीला रोजी रोटी का ज़रिया उन कायरों ने छीन लिया, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों या कोई से भी आतंकवादी संगठन हो। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि हम लोग उस घटना की घोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये कायराना हरकत की, उस आदमी को क्या मिला और उस सगीर का क्या कसूर था? मैं एक और सिस्टम पे भी सवाल उठाना चाहूँगा कि अगर हमारा स्किल इंडिया और स्किल डेवलपमेंट इतना मजबूत हो तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैदराबाद या राजस्थान या कश्मीर क्यों जाएं? वहाँ से मर के आ रहे, गोली खा के आ रहे। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये वहशियाना हरकत की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और इस परिवार को जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा दे। एक सरकारी नौकरी की हम लोगों ने पहले भी मांग की थी, और उचित न्यायिक कार्यवाही ज़रूर हो कि क्योंकि हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावर्ती ना हो, इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है और दूसरी ओर पाकिस्तान भारत का आज मैच होने जा रहा है, जी तो क्या कहना है कि इस तरह के मैच होने चाहिए? देखिए, हमारा तो कहना है कि मैच होना ना होना तो दीगर बात है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर पाकिस्तान ये आतंकवाद कर रहा है तो हमारा तो दुश्मन है, सख्त दुश्मन है। उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्यवाही की जा सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए कि जिससे, देखिए हम भी मुसलमान हैं, अगर और अपने ही मुसलमान, बात मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई की नहीं है, बात है इंसानियत की। आज इंसानियत का कत्ल हो रहा है और जो इंसानियत को कत्ल कर रहा है सबसे बड़ा वो दुश्मन है। सगीर अहमद की हत्या के बाद सहारनपुर का माहौल गमगीन है। लोगों ने ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।